Okay, so in this video, let us start how to construct, how to represent root 3.5 on the number line. इसके पहले भी हम लोग ये representation कर चुके हैं, जैसे root 2, root 3, root 5, ठीक है, तो इसमें root के अंदर whole number रहता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, whole numbers. इसमें अलग क्या हो गया, यहाँ पे नंबर जो दिया है वो डेसिमल फॉर्म में दिया है 3.5, ठीक है, बस यही इसकी अलग पहचान है कि अगर रूट में हमको डेसिमल नंबर दिया है तो उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इसमें पहला स्टेप है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.5 यूनिट. यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख दिया है, यूनिट तो ठीक है, पर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सेंटीमीटर ही लेके चलेंगे, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है सेंटीमीटर. मतलब पहला स्टेप ये है कि स्केल से हम लोग ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको नाप के स्केल से हम लोग यहाँ सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है. पहला स्टेप हो जाएगा ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे, ठीक है. यूनिट से, यूनिट में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर ही ले लेंगे. फिर बोला दूसरे स्टेप में एक्सटेंड इट टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट. इसमें 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, तो बोला है कि ए बी के आगे हम लोग इसको बी को सी तक प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब वहाँ से 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे, तो चाहे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ये 0 से और ये 1, 1 सेंटीमीटर इसको और यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, तो हमको ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे सी, ठीक है. ए बी हो गया और बी सी में इस तरह के सारे क्वेश्चन में जो रूट के अंदर डेसिमल नंबर रहेगा, इसमें 1 सेंटीमीटर को हर क्वेश्चन में हमको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा. तो अब हमको लाइन सेगमेंट क्या मिल गई, ए सी, ठीक है. अब थर्ड स्टेप में बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी. अब बोला है कि ए सी का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब हमको बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, किसका, ए से लेके सी तक, ठीक है. तो इसके लिए स्टेप क्या होता है, जब हम लोग बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो कंपास को पहले कहाँ पे रखेंगे, ए पॉइंट पर, और इसका आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ लेके, हाफ से ज़्यादा जितना लेना है हम लोग ले लेंगे, हाफ से कम नहीं होगा. तो अब जैसे ये मान लीजिए हम लोग अगर इसको इतना ले लेते हैं, ये इतना एक आर्क हो गया यहाँ से ए से, फिर उतना ही रेडियस का दूसरा आर्क सी, सी से, ऐसे ही नीचे भी आर्क ड्रा कर देंगे हम लोग, यहाँ से पहला आर्क और ए से भी ये दूसरा आर्क, और ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे स्केल से, ठीक है, डॉटेड लाइन से मिला दिए हैं इसको, डॉटेड लाइन से, तो ये पॉइंट हमको मिल गया ओ, इसको ओ नेम दे दिया यहाँ पे, ये ए सी का मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट कर दिया ये, तो चाहे मिड पॉइंट बोलो इसको, बोलो या बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है. फिर फोर्थ स्टेप में बोला है विथ ओ एज ए सेंटर एंड ओ ए रेडियस ड्रा अ सेमी सर्किल. अब बोला है कि ओ पे कंपास को रखेंगे और ओ ए रेडियस का, चाहे ओ ए बोलेंगे या ओ सी बोलेंगे, एक ही बात, दोनों बराबर है, चाहे ओ सी भी बोल सकते हैं, एक हमको इसमें क्या करना है, सेमी सर्किल ड्रा करना है, ठीक है ना, इस तरह से ये पूरा ये सेमी सर्किल बन जाएगा, ये बड़ा वाला, ठीक है. फिर स्टेप फाइव ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. ये बी डी है, ये बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर बोला, हमको यहाँ पे राइट एंगल बनाना है 90 डिग्री, ठीक है. तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बनाते थे, यहाँ पे भी थोड़ा सा है तो इस तरह से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी जैसे बनाते थे. देखो कहाँ पे रख रहे हैं कंपास को, बी पे, ये बी पॉइंट हो गया, और कुछ भी रेडियस लेके एक छोटा सा सेमी सर्किल बना दिए हैं, ठीक है, और इस सेमी सर्किल में रख के कंपास को इसका आधे से ज़्यादा, ये यहाँ से आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जितना लेना है ले लेंगे. तो मान लीजिए एक आर्क इधर से हो गया यहाँ से इस पॉइंट से, और दूसरा आर्क यहाँ पे काटा है लाइन को,
सेमी सर्कल यहाँ पे, तो दूसरा आर्क, ठीक है। और इस पॉइंट को स्केल से बी से मिला देंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो ये जहाँ पे काटा है ये पॉइंट, इसको नेम दे दिया डी। ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पे काटा है उसको नेम दे देंगे डी। इसीलिए बोला ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है ना। ये बी डी हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्किल एट डी, यहाँ पे काटा है ये, उसको क्या नेम दे देंगे डी। ओके, देन बी डी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ये इसका लेंथ भी 3.5 होगा, ठीक है। कैसे होगा हम लोग अभी इस पर नहीं जा रहे हैं क्यों होगा, पर बी डी का जो लेंथ होगा वो 3.5 ही होगा, जितना क्वेश्चन में ये नंबर दिया हुआ है। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, विथ बी एज ए सेंटर एंड बी डी रेडियस। अब हम लोग बी पे रखेंगे कंपास को और बी डी रेडियस, जितना बी डी है ये बी डी रेडियस हो गया। एक आर्क ड्रा करेंगे और ये आर्क लाइन को जहाँ पे काटेगा, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा देंगे। कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ई पॉइंट नेम दे दिए, ठीक है ना। सो विथ बी एज ए सेंटर एंड बी डी रेडियस ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन प्रोड्यूस्ड ए सी टू ई। ए सी को हम लोग बढ़ाएंगे, कहाँ आगे बढ़ा देंगे, एरो बना हुआ है, और ये जहाँ पे आर्क काटेगा इसको नेम दे देंगे ई पॉइंट, और यही ई पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, रूट 3.5 को ऑन द लाइन। तो ये स्टेप होगा इस तरह से, इसको देख के आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन करना है, रूट 9.3 और रूट 5.67। ओके,